हाय नमस्कार साथियों, मेरा नाम दिनेश है और आज का हमारा टॉपिक है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। साथियों, आप बहुत बार ऐसी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको आप देखते हैं या फिर कोई एजुकेशन वीडियो होती है, बहुत अलग अलग तरह की आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखते हैं कोई भी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो शायद आपके दिमाग में भी ऐसा आता होगा कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती कैसी है, या कोई इस मोबाइल से हम कोई काम कर रहे हैं तो क्या दूसरे कैमरे से उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो बहुत लोगों की दिक्कत थी और बहुत लोगों का हमारे पास कमेंट आता है, कोई लोगों का फ़ोन भी आता है, व्हाट्सएप मैसेज भी आता है कि हम इस तरह की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सके। साथियों, अगर कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप हो या फिर आपका मोबाइल हो, सब के लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर आता है, उसके ज़रिए आप वीडियो और जो ऑडियो दोनों को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। आप बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल देखते भी हैं। तो अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है तो इसके लिए तो आपको सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर रहेगा कैमटासिया। कैमटासिया के अंदर आप एडिट भी कर सकते हैं, उससे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और बहुत ही बेटर क्वालिटी उसमें रहती है। और इसका एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये जो मतलब MB GB तक जो फाइल बनती है 10-12 मिनट की वीडियो की, इसमें ये वीडियो बहुत ही कम MB लेता है और बहुत ही गुड क्वालिटी देता है। वैसे तो बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप के लिए आपको कैमटासिया सही रहेगा। इसके बाद में अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल के अंदर भी आपको बहुत सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐप मिल जाती है, लेकिन इसमें मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एक तो आती है A to Z, ये बिल्कुल फ्री ऐप है और अपने मोबाइल का कोई भी मतलब ट्यूटोरियल बनाना चाहते हो तो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इजीली बना सकते हो। इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे और हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। तो वो हो गया, एक और भी आता है लेकिन सब में मतलब उनमें अलग अलग मतलब थोड़ा पेड वर्जन रहते हैं, कुछ पैसा देना पड़ता है, किसी के अंदर ऐड आते हैं, ऑनलाइन नहीं कर सकते, इंटरनेट को डाटा ऑन करके करेंगे तो ऐड आ जाता है, तो बीच में आप जो भी ट्यूटोरियल बनाते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो बस आज के ट्यूटोरियल में यही बताना था। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यदि आप करना चाहते हो तो इसके लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का मोबाइल के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिखिए तो आपको बहुत सारी एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। और कंप्यूटर लैपटॉप पीसी के लिए तो आपको पता ही है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग काम है, कोई पेड है तो कोई फ्री है। तो बस ये था। तो ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।